टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सेकेंड चैप्टर इन अ साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ओपन अप द बुक एंड कम ऑन टू पेज नंबर 21। ओके, नाउ व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइए हम देखते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ प्लैनेट। ठीक है, हमारे प्लैनेट में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपने नेकेड आई से दिखते ही नहीं है। ठीक, आपने कभी कोई वायरस देखा है? अभी जैसे जो चल रहा है कोरोना वायरस, लोग कह रहे हैं अरे कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, लेकिन हम उसको कभी अपने नेकेड आई से देखे नहीं। ठीक है, उसकी बस पिक्चर हमने देखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, उनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक, जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज दो शोन अबव कैन ओनली बी सीन एंड फोटोग्राफ विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये देखिए, ये कोरोना वायरस जैसा है ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक और, ये सब, ये दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ जीव जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं देख पाते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आइए देखते हैं कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन आर प्लानट। ठीक, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, आइस कोल्ड रीजन्स में भी होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी होते हैं, डेजर्ट में भी मिलेंगे, यहाँ तक के हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे करोड़ों मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इन आर बॉडी एंड इवन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ठीक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम ऐसे होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, दे लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं इन 5 मेजर ग्रुप्स, नेमली बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगाई, एल्गी एंड वायरसेस। ठीक है, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया हैव लिव ऑन द अर्थ फॉर मच लॉन्गर दैन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के आने से पहले ही बैक्टीरिया वॉज देयर ऑन अर्थ। दे आर बिलीव टू बी द फर्स्ट लिविंग बींग्स टू हैव अपीयर्ड ऑन द अर्थ। इन 1677 एंटोन वैन लीवनहॉक ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने, एंटोन वैन लीवनहॉक ने उसको डिस्कवर किया बैक्टीरिया को। ठीक है, उसको देखते हैं हम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके शेप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कोकस और राउंड शेप्ड, द बैक्टीरिया विच हैव अ स्फेरिकल शेप आर कॉल्ड कोकस, फॉर सिंगुलर कोकस और प्लूरल कोकाई। ठीक है, जब एक कोई बैक्टीरिया होता है जो कि सिंगुलर, जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, उसको हम कहते हैं कोकस, और कई सारे जब बैक्टीरिया हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोकाई। ठीक, इनकी एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोकोकस विच कॉजेज निमोनिया। ठीक है, निमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, सेकेंड, बैसिलस और रॉड शेप्ड, द बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप्ड आर कॉल्ड एज बैसिलस। दीज आर विदाउट फ्लैजुला, दे कॉज सर्टेन डेंजरस डिजीजेस इन द मैन लाइक ट्यूबिकुलोसिस, डिप्टीरिया, टिटनेस, लेप्रोसी एटसेट्रा। ठीक है, आप ये देखो, ये कितना डेंजरस बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप्ड का होता है। ठीक है, ये देखो, इसमें आप देखो ट्यूबरकुलोसिस वाला, ये रॉड शेप आपको दिख रहा है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप रॉड शेप्ड होते हैं, उनको कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कई तरह की डेंजरस डिजीजेस मैन में लेप्रोसी इस तरह की डिजीजेस ये कॉज करते हैं। ठीक है, थर्ड, स्पाइरुलिना और विब्रियो शेप्ड,
दीज बैक्टीरिया आर कॉक शेप्ड और कॉमा शेप्ड, ठीक है, कॉमा ऐसे होता है ना, तो इस तरह का बैक्टीरिया का शेप होता है। दीज में हैव वन और मोर सिलिया और फ्लैजेला ऑन देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा विच कॉजेस कॉलरा, ये देखिए ये वाला है जो, इसके आप सरफेस में देखें तो आपको ऐसे सरफेस में रफनेस दिखाई दे रही है, दीज आर ऑल सिलिया और फ्लैजेला, ठीक है। और जो बैसिलस होता है उस फ्लैजेला के, दे आर विदाउट फ्लैजेला, ठीक है। तो इसमें आप देखो कोई भी रफनेस नहीं है, डिप्थेरिया में भी कोई रफनेस नहीं है, बट इन कॉलरा देयर इज रफनेस प्रेजेंट इन द आउटर साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक। तो कॉलरा का कौन सा है, स्पैरुलम और विब्रियो शेप, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक आप देख लो कि कितने डेंजरस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते अपना आइख से, मगर ये कितनी डेंजरस डिजीजेस देते हैं मैन को, फिर ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी काफ़ी डेंजरस डिजीजेस होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सम बैक्टीरिया लाइक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया आर यूजफुल विच ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये तो हमने जो डिस्कस किया वो तो बहुत डेंजरस वाले बैक्टीरिया थे, मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मैन की हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये कैसे हेल्प करते हैं, जो डेड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। दे यूज एनिमल फीसिस एंड अदर वेस्ट मटीरियल एज देयर फूड, ठीक है, तो क्लीनिंग हो जाती है इन्वायरमेंट की। दीज आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स, सम बैक्टीरिया ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, सम ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आर कॉल्ड एनोरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे मैंने बताया डिकम्पोजर जिसको कहते हैं, ये क्लीन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, तो दीज आर ऑल यूजफुल फॉर अस, ठीक। और जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो दोज ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, दे शुड बी नो ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड दोज आर कॉल्ड एनोरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपके देखो, बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये नहीं कि ये सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं, दीज आर ऑल्सो यूजफुल। डायबिटीज इज अ डिजीज विच द इन विच द पैंक्रियाज ऑफ द पेशेंट प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन, इंसुलिन मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अब डायबिटीज़ जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है, इंसुलिन हम उससे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल। अब हम आगे देखते हैं इसके और भी क्या यूजेस होते हैं, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, वो जो सॉइल में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, जो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। दीज बैक्टीरिया लिव इन द न्यूड्यूल्स ऑफ रूट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स, पीस एंड पल्सेस, ठीक है, तो ये क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करता है, ठीक। सेकेंड, डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय फीडिंग ऑन देम एंड प्रोड्यूस हमस विच हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया था सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, वो भी यही करता था कि वो जो डेड मटीरियल होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट होती है। जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिलता है हमस, हमस से क्या होता है, हमस से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है, ठीक है। तो इसमें दो यूज़ हो गए, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो गई और द एनवायरमेंट गॉट क्लीन्ड, ठीक है। थर्ड इज फूड प्रोडक्शन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन द फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी एंड कोको बीन्स, ठीक है, खाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कर्ड बनाते हैं
रात भर कर्ट को बाहर, दूध को गर्म करके बाहर रखते हैं, फिर उन पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक, तो आफ्टर सम टाइम द बैक्टीरिया इट मल्टीप्लाइज एंड इट मेक्स कर्ड। ठीक है, उसकी वजह से कर्ड बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, और कर्ड के अलावा ये और भी यूज़ होते हैं कॉफ़ी बनाने में, टी बनाने में और कोको बीन्स बनाने में भी। ठीक है, नो फोर्थ डाइजेशन इन एनिमल्स। एस्केरिकिया कॉली बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन एंड हर्बीवोरस एनिमल्स वेयर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इंटेस्टाइन में आपको कॉली मिलेगा, ठीक, ह्यूमंस में भी और हर्बीवोरस एनिमल्स में भी। उससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया एक्ट करता है फूड पे विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है ना, फिफ्थ इंडस्ट्रीज। डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी हमको मिलते हैं बैक्टीरिया से। फर्स्ट कैसे करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, दे हेल्प टू प्रोड्यूस वाइन एंड विनेगर। ठीक है, सेकेंड इट हेल्प्स इन मेकिंग मीट टेंडर फॉर टैनिंग ऑफ स्किन टू प्रोड्यूस लेदर। ठीक है, द लिनन थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग। बैक्टीरिया एंटर द स्टेम ऑफ प्लांट एंड डिस्ट्रॉय द स्टेम टिश्यू एंड लूजन द फाइबर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड्स। ठीक है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड सिट्रिक एसिड। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल यूज़, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वाइन बनाने में, विनेगर बनाने में, मीट को टेंडर बनाया जाता है फॉर टैनिंग ऑफ स्किन टू प्रोड्यूस लेदर, लेदर बनाने में, ठीक है, लिनन थ्रेड्स को बनाने में, ठीक, और थ्रेड्स को बनाने में बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। कुछ विटामिन्स बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाया जाता है, मीन्स मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ होता है। ठीक, इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाए जाते हैं और सिट्रिक एसिड भी बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास। ठीक, उसके आगे भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास, सच एज एल्गी एंड फंगाई। ठीक, तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अप टिल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, आप मुझे ज़रूर से पूछ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन आप दिमाग में रखिएगा नहीं, नहीं तो वो फिर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय क्लास।